तो MIUI 14 आप अपने डिवाइस में कैसे लॉन्च सॉरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार अभी जो है कुछ ही डिवाइसेस में MIUI 14 जो है वो लॉन्च हुआ है, तो उसके नाम है यहाँ पर MI 11i हाइपर एडिशन, MI 11i दोनों सेम ही हैं। उसके बाद Poco X3 Pro, Redmi Note 10, Xiaomi 12 Pro, Poco F4, Xiaomi 11 Lite, 5G NE, तो यही डिवाइसेज हैं जो ग्लोबल में आए हैं, जो इंडिया में भी लॉन्च हुए हैं। तो अगर आप इंडियन हैं, इंडिया का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप ग्लोबल में जा सकते हैं, पर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और उसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अगर नहीं है तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं। पर अगर आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो मैं आपको दिखाने वाला हूं आप इसे कैसे अपने डिवाइस में ला सकते हैं। आपका डेटा यहां पर कोई लॉस नहीं होने वाला। हाँ, डाउनग्रेड में आपको इशू आ सकता है, तो वेट कीजिएगा जब MIUI 14 इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, तब ग्लोबल से आप स्विच ओवर कर सकते हैं इंडिया में विदाउट जो है फास्ट बूट रोम। तो छोटा सा प्रोसेस है, ज्यादा नहीं है, तो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो गाइज अब आपने जो है वो रोम डाउनलोड कर लिया होगा अपने डिवाइस का, तो अब आपने जो है वो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे यहाँ पर जो है वो बूट करना है। तो आप सीधा जो है वो जाइए सेटिंग्स में, यहाँ पर अबाउट फोन में यहाँ पर टैप कीजिए और 10 बार यहाँ पर टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाएंगी, तो आपने सीधा रीबूट टू रिकवरी कर देना है। अगर आपका ये नहीं होता है तो पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दोनों इकट्ठे दबाने हैं, तो आप जो है वो बूट हो जाएंगे अगर आप कोई कस्टम रोम यूज करते हैं। तो बूट होने देते हैं डिवाइस को। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है यहाँ पर आ गए हैं, तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ से इसे उठाना है, टैप करना है जहाँ पर भी आपका रोम पड़ा है, यहाँ पर टैप करके आपने सीधा इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइज आप यहां पर देखेंगे यहां पर रीबूट टू सिस्टम आ गया है, तो आपने रीबूट टू सिस्टम कर देना है। जस्ट इन केस ये आप अगर रीबूट करते हैं तो ये वापस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे आ जाता है, तो आपको आपका डेटा जो है वो फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो बस वो डिलीट में जाकर फॉर्मेट डेटा कर दीजिए, जहां पर मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर बताया होगा आपको। तो सिंपल है, पर मेरे हिसाब से आपका फ़ोन बूट हो जाएगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन जो है वो यहाँ पर बूट हो गया है, कोई डेटा यहाँ पर जो है वो लॉस नहीं हुआ है, फाइनली अपडेट हो गया है MIUI 14 पे। तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।